मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? क्लिनिकल पैथोलॉजी के ऊपर। कि सबसे पहले तो क्लिनिकल पैथोलॉजी है क्या, मतलब कि क्लिनिकल का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसको चेक करना, और पैथोलॉजी का मतलब डिजीज या कोई बीमारी। तो टुडेज लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। आज के लेक्चर में क्या है, अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी का, कि रियल में क्लिनिकल पैथोलॉजी होती क्या है, और अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे GMLT के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर कौन सी चीजें हैं वो सारे क्या है आज के लेक्चर में देखेंगे, कि कौन सी टॉपिक है सिलेबस में। तो देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड यूरिन एंड टिश्यू इमोजिनेट्स और एक्सट्रैक्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी हिमेटोलॉजी एंड मोलिकुलर पैथोलॉजी। शुरू से देखिए कि क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मतलब क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, मेडिकल लाइन की वह ब्रांच, स्पेशल ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करोगे कि डायग्नोसिस करोगे किस चीज के ऊपर, डिजीज के ऊपर, कि बीमारी है क्या और बीमारी किस रीजन के, यानी डिजीज किस रीजन से हुई है, उसको कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट कौन है, कि वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, या फिर अदर कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या है कोई डिजीज होगी, उसको जो डायग्नोज करने का जो मेथड है वो किसके अंदर स्टडी करते हैं अपन, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। और वो डायग्नोज करना जो है वो किसके ऊपर बेस होगा, बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, वो किसके ऊपर बेस होगा कि लेबोरेटरी के अंदर जो एनालिसिस करेंगे अपन बॉडी फ्लूइड्स को, यानी उनके उनकी जांच पड़ताल जो करेंगे उनको चेक करेंगे उसके ऊपर बेस होगा, उसी से बॉडी फ्लूइड से अपन चेक करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या डिजीज है। और वो बॉडी फ्लूइड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो सच है ब्लड, ब्लड आ गया, ब्लड से अपन किसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड काउंट, या फिर नॉर्मल कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग सेल्स अलग अलग चीज से इफेक्टिव होती है ब्लड में। दूसरा यूरिन, यूरिन से अपन क्या है कि जैसे किडनी की रिनल फंक्शन टेस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। एंड टिश्यू हिमोजिनेट, और क्या है टिश्यू से रिलेटेड भी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि टिश्यू के अंदर क्या प्रॉब्लम, कोई टिश्यू इंजरी तो नहीं हुई या फिर अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक्सट्रैक्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कौन सी चीजें यूज करते हैं, तो केमिस्ट्री की अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी केमिकल्स की, उसके अंदर केमिकल्स और माइक्रोबायोलॉजी, यानी किसी फ्लूइड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है उससे रिलेटेड, हिमेटोलॉजी यानी क्या है कि ब्लड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है कि सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो सारी चीजें किसमें कंसर्न होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट, पैथोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन है किस चीज का, डिजीज का यानी बीमारी का, कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर अदर कोई कंडीशन जिसमें क्या है उसमें बीमारी हो गई है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसके अंदर है, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। और डिजीज जो है वो किससे रिलेटेड है, पैथोलॉजी से, क्लिनिकल का मतलब इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन बॉडी फ्लूइड एंड अदर सैंपल। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है कि साइंस है जिसके अंदर क्या है अपन कोई डायग्नोसिस करते हैं, मेडिकल की वह ब्रांच है जिसमें डायग्नोसिस की प्रैक्टिस करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि डिजीज किस चीज से रिलेटेड है, और उसमें एनालिसिस क्या करते हैं लैब के अंदर, अपन क्या एग्जामिन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन, यानी टिश्यू स्पेसिमेन जो है ह्यूमन बॉडी से बायोप्सी का जो सैंपल लेते हैं अपन उनको किसमें स्टडी करते हैं, लैब के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के लैब में, और अदर सैंपल को,
अदर सैंपल क्या है, एग्जाम्पल अगर देखो तो आप स्पूटम यानी कफ या फिर पस हो गया या फिर अगर कोई स्वैप हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ गई, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। यानी कोई बायोलॉजिकल सैंपल लेके ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन बॉडी में, वो सारे किसमें आ गए, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। तो शुरू से देखिए एक बार, क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड। यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी मेडिकल की वह स्पेशल या कोई स्पेसिफिक एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या कंसर्न करते हैं, कौन सी चीजें हैं उसमें, कि डायग्नोसिस यानी किसी चीज का पता लगाना डिजीज का, यानी डिजीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके ऊपर बेस है, ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी वो किसके ऊपर बेस है, ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड के ऊपर। और वो फ्लूइड कौन से, जैसे ब्लड के ऊपर है, ब्लड से अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एनीमिया कंडीशन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, या फिर कोई बोन मैरो इंजरी हो गई, या फिर ब्लड कैंसर हो गया, तो वो सारी चीजें किस पे एस्टिमेट करेंगे, ब्लड से। नेक्स्ट है यूरिन, यूरिन से अपन किडनी फंक्शंस को एस्टिमेट कर सकते हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर टिश्यू हीमोजिनेट, यानी टिश्यू के अंदर कोई एक्टिन मायोसिन फाइबर के अंदर या फिर अदर टिश्यू फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रैक्ट और इनके अंदर और क्या है, जैसे इसको तीन चीजों में डिवाइड किया है क्लिनिकल पैथोलॉजी को, कि बॉडी फ्लूइड में कोई केमिकल्स के अंदर प्रॉब्लम होगी, जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको एस्टिमेट करेंगे तो वो किसमें करेंगे, केमिस्ट्री में, या फिर ह्यूमन बॉडी में कोई और डिजीज होगी जो किसके कारण है, बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट के कारण, वो किसके अंदर आएगी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और हिमेटोलॉजी के अंदर क्या आएगा, ब्लड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में क्या आएगा, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में जब कोई चेंज होता है, यानी कोई मसल्स या फिर इंजरी की वजह से कोई चेंजेस हो गए, यानी हैंड ब्रोक हो गया और सारी चीजें, वो किसमें आ गई, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में। नेक्स्ट, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या है, रियल में पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक स्टडी किस चीज की, डिजीज की यानी बीमारी की। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन बॉडी फ्लूइड एंड अदर सैंपल। क्लिनिकल पैथोलॉजी द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, विज्ञान की वैसा है जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस चीज को, किसी को डायग्नोज करने की, पता लगाने की, यानी बीमारी को डिटेक्ट करने की, ह्यूमन बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और ये करते हैं किसमें, ये किसकी हेल्प से करते हैं, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की हेल्प से। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या एनालाइज करते हैं, कौन सी चीजों से पता लगाते हैं डिजीज का, तो या तो टिश्यू स्पेसिमेन से बायोप्सी का सैंपल ले लिया, उससे पता लगा सकते हैं कि उसमें ट्यूमर है या फिर कैंसर सेल्स हैं, वो एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर कोई बॉडी फ्लूइड आ गया, बॉडी फ्लूइड से अपन क्या है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे एलएफटी लीवर फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर क्या है, कार्डियक फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं। और अदर सैंपल भी लेके अपन क्या है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अदर सैंपल के अंदर अगर एग्जांपल देखो तो कफ का सैंपल हो गया, पस का सैंपल हो गया, या फिर कोई स्वैप हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर से लिया गया, वो सारी चीज में आ गए अदर सैंपल के अंदर। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय एनालाइजिंग बॉडी फ्लूइड। यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, अध्ययन है या फिर डायग्नोसिस का पता लगाना किसका, डिजीज का, और किसकी हेल्प से, बॉडी फ्लूइड की हेल्प से, उनको एनालिसिस करके, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके। क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट स्टडी फ्लूइड सच एज ब्लड यूरिन टू डायग्नोसिस डिजीज। और जो पैथोलॉजिस्ट है यानी जो लैब के अंदर बैठता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, टेक्नीशियन हो गया, वो क्या करता है, वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है किसका, बॉडी फ्लूइड्स का। कौन से बॉडी फ्लूइड्स का, जैसे ब्लड का हो गया, यूरिन का। और इनका अध्ययन किस चीज के लिए करता है, टू डायग्नोस डिजीज, यानी डिजीज का पता लगाने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट
may choose to special in one type of pathology, such as chemistry, hematology or microbiology. और जो pathologist है lab के अंदर वो specially किसी branch को select कर सकता है अपने लिए, जैसे pathology को select कर लेगा या फिर chemistry को select कर लेगा, hematology को या फिर microbiology को, यानी उनसे related किसी specific branch से related ही वो investigation करता है. यानी lab के अंदर अलग अलग branch होती है, उसके अंदर अलग अलग टेक्नीशियन होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो उससे चीज से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट, अनदर क्लिनिकल पैथोलॉजी स्पेशलिटी इन पैथोलॉजी. और अनदर अगर अपन स्पेशल पैथोलॉजी में देखें तो अपन किसकी स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में, हिमेटोलॉजी की. दीज क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट वर्क विद द ब्लड बैंक टू प्रोसेस डोनेटेड ब्लड सो दैट इट कैन बी बेस्ट टू बी यूज and used for detection of blood related disease. और एक अगर एग्जाम्पल लें, मतलब किसी पैथोलॉजिस्ट ने क्या है सिलेक्ट किया है, उसने लैब के अंदर हिमेटोलॉजी ब्रांच सिलेक्ट की है, यानी अनदर क्लिनिकल पैथोलॉजी स्पेशलिटी इज इन हिमेटोलॉजी. यानी किसी पैथोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी में वो किसके अंदर है, हिमेटोलॉजी के अंदर. तो हिमेटोलॉजी के अंदर वो क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, दिस क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट वर्क विद ब्लड. वो जो पैथोलॉजिस्ट है जिसने हिमेटोलॉजी सिलेक्ट किया वो किसके अंदर काम करेगा, किससे रिलेटेड काम करेगा, ब्लड से रिलेटेड. और काम किस में कर सकता है, ब्लड बैंक के अंदर. और जो क्या करते हैं जिसने टू प्रोसेस डोनेटेड ब्लड सो दैट इट कैन बेस्ट टू बी यूज. और ब्लड बैंक के अंदर क्या करते हैं अपन, ब्लड का डोनेशन करते हैं, एक दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि ब्लड सही प्रॉपर वे में है या नहीं. यानी अगर किसी ब्लड के अंदर जिस पर्सन ने डिजीज है, यानी जिस पर्सन ने ब्लड डोनेट किया उसमें डिजीज है, तो डिजीज वाला ब्लड किसी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो जाए, वो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, कि हिमेटोलॉजी की लैब में जो काम करता है वो करता है. और अदर क्या करता है, एंड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज. और क्या करता है वो टेक्नीशियन, कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करता है. शुरू से देखिए कि क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज By analyzing body fluid. Clinical pathology क्या है, अध्ययन है या फिर किसी चीज का पता लगाना है, किसका, डिजीज का. और किसकी हेल्प से, किसको एनालिसिस करके, किसको इन्वेस्टिगेट करके, बॉडी फ्लूइड्स को. क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट स्टडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड यूरिन टू डायग्नोसिस डिजीज. और जो पैथोलॉजिस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी वो क्या सिलेक्ट करते हैं, कि स्टडी सिलेक्ट करता है, किसकी स्टडी करता है, वो ब्लड और यूरिन की स्टडी करता है, उनको डायग्नोज करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, किस चीज के लिए, कि किसी चीज उसकी डिजीज का पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन बॉडी में. नेक्स्ट, ए क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट में चूज टू स्पेशल इन वन एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजी सच एज केमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. और एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होता है वो एक ब्रांच सिलेक्ट कर सकता है स्पेशली पैथोलॉजिस्ट में, पैथोलॉजी में जिसके अंदर उसको काम करना है. वो ब्रांच कौन सी है, कि हो सकता है वो केमिस्ट्री की लैब में काम करे, हो सकता है वो हिमेटोलॉजी की लैब में काम करे या फिर माइक्रोबायोलॉजी की लैब में काम करे. नीचे का एग्जांपल, अगर किसी स्टैफ टेक्नीशियन ने क्या सिलेक्ट किया, हिमेटोलॉजी, तो अनदर क्लिनिकल पैथोलॉजी स्पेशलिटी इज इन हिमेटोलॉजी. यानी किसी लैब टेक्नीशियन की जो स्पेशलिटी है वो किसके अंदर है, हिमेटोलॉजी के अंदर. तो हिमेटोलॉजी के अंदर वो क्या डिस्कस करेगा, क्या स्टडी करेगा, दिस क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट वर्क विद द ब्लड बैंक टू प्रोसेस दैट डोनेटेड ब्लड सो दैट इट कैन बी बेस्ट टू बी यूज्ड एंड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज. यानी क्या है कि पैथोलॉजी के अंदर उसने हिमेटोलॉजी ब्रांच ली, तो हिमेटोलॉजी के अंदर क्या आता है, एक तो ब्लड बैंक आता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते टाइम वो उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा कि ब्लड जो है उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है जिसने डोनेट किया. और ब्लड क्या है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाएगा. एक तो ये चीज डिस्कस करेगा, दूसरा वो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है वो सारी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, किसमें, हिमेटोलॉजी की लैब. नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यानी किसी चीज का पता लगाना. तो डायग्नोसिस इज द नॉर्मल नेम यूज टू डिस्क्राइब ए पेशेंट डिजीज. डायग्नोसिस क्या है, एक नॉर्मल नेम है, एक नाम है
पेशेंट की डिजीज को जो डिस्क्राइब करता है, यानी पता लगाते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम, द डॉक्टर फाइंडिंग एंड द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट। यानी डायग्नोसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज, यानी डायग्नोसिस का मतलब है किसी डिजीज का पता लगाना। और वो पता कैसे लगाते हैं कि डायग्नोसिस किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम, यानी पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या है, कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, और डॉक्टर फाइंडिंग, और डॉक्टर क्या कहना चाह रहे, डॉक्टर ने क्या फाइंड किया है, और किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एंड द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट। और जो डिजीज है उसका पता लगाना किस चीज के ऊपर बेस्ड है? डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, यानी लैब के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके ऊपर, और लेबोरेटरी टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट, स्पेसीमैन। स्पेसीमैन क्या है? एनी सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ पर्सन फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजीज इन द लैब इज कॉल्ड ए स्पेसीमैन। यानी एनी सब्सटेंस, कोई पदार्थ जो किससे लिया गया है, टेकन फ्रॉम द बॉडी, यानी जो ह्यूमन बॉडी से लिया गया है, ऑफ ए पर्सन, और एक पर्सन की, किस चीज के लिए, फॉर के लिए, किस चीज के लिए, टेस्टिंग के लिए या इवेल्युएशन के लिए, डिजीज के लिए, यानी डिजीज का पता लगाने के लिए कोई भी पदार्थ जो कलेक्ट किया गया ह्यूमन बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसीमैन। और उसको डायग्नोज किस में करते हैं, इन द लैब इज कॉल्ड स्पेसीमैन, यानी उसको क्या बोलते हैं, स्पेसीमैन बोलते हैं लैब में। और एग्जांपल क्या है उसके, स्पेसीमैन्स के, जैसे ब्लड का सैंपल हो गया, यूरिन का सैंपल हो गया, यानी मेट्रोलॉजी की लैब में किसकी स्टडी करोगे, ब्लड की, हो सकता है यूरिन की स्टडी किसमें करोगे, बायोकेमिस्ट्री की लैब में, या फिर CSF हो गया बायोकेमिस्ट्री में, स्पोटम, पस, इन सभी की माइक्रोबायोलॉजी की लैब में क्या है, अलग 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 लैब से रिलेटेड क्या है, स्पेसीमैन है। तो शुरू से देखिए कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस इज द फॉर्मल नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेशेंट डिजीज। डायग्नोसिस एक नाम है जो क्या है, पेशेंट की डिजीज को डिस्क्राइब करता है, यानी उसके बारे में बताता है कि हमने ये डायग्नोस किया है, ये डिजीज है आपके अंदर। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज। डायग्नोसिस क्या है, किसी डिजीज का पता लगाना उसका प्रोसीजर है। और जो किसके ऊपर बेस्ड है, कि पेशेंट के सिम्टम के ऊपर, डॉक्टर के आइडेंटिफिकेशन पे, और क्या है कि लैब के जो रिजल्ट आते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि पेशेंट के अंदर क्या डिजीज है। नेक्स्ट, स्पेसीमैन। स्पेसीमैन क्या है? एनी सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ पर्सन फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजीज इन द लैब इज कॉल्ड ए स्पेसीमैन। यानी किसी ह्यूमन बॉडी से कोई सब्सटेंस लिया गया, कोई पदार्थ लिया गया, किस चीज के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए, या डिजीज का पता लगाने के लिए कि डिजीज कितनी, कौन सी डिजीज है सबसे पहले, तो दूसरी चीज की वो डिजीज किस कंडीशन तक सीरियस है, यानी कितना टाइम हो गया, वो सारा पता लगाने के लिए जो सैंपल लिया जाता है, स्पेसीमैन लिया जाता है, कोई पदार्थ लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसीमैन बोलते हैं लैब के अंदर। और इन स्पेसीमैन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, या फिर स्पूटम हो गया, ETC या एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि सब डिवीजन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी की लैब को अपन किन किन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी लैब होती है। तो सबसे पहले है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज, और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी किसी डिजीज है टिश्यू की स्टडी, यानी टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, दूसरी ब्रांच है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, अपन सेल से रिलेटेड कोई डिजीज को डायग्नोज करते हैं, यानी सेल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंदर अपन किससे डील करते हैं, ब्लड से डील करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अपन ये डिटेक्ट करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया का है, पैरासाइट का है, या फिर क्या है, वायरस का है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम अपन क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी है उनको डिटेक्ट करते हैं किस अमाउंट में। केमिकल पैथोलॉजी यानी केमिकल पैथोलॉजी यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है वो सारी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है या नहीं है। तो केमिकल में जैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल देख लिया,
या फिर एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल देख लिया कि वो नॉर्मल अमाउंट में है कि नहीं। तो केमिकल्स की इन्वेस्टिगेशन किस में आती है? केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है जेनेटिक्स की। अगर जेनेटिक्स पैथोलॉजी देखें, जेनेटिक्स पैथोलॉजी में क्या आता है कि जेनेटिक्स के अंदर होने वाले जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर होने वाले जो म्यूटेशन है, परिवर्तन, उनको डिटेक्ट करते हैं हम किसमें? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, कोई टॉक्सिक प्रेजेंट हो गया या फिर कोई जो है जहर है, यानी कोई टॉक्सिसिटी हो गई किसी एलिमेंट या फिर अदर कोई कंपाउंड से, फूड पॉइजनिंग हो गई, वो फूड पॉइजनिंग हुई किस वजह से, उसको डिटेक्ट करना किस चीज में आता है? टॉक्सिकोलॉजी पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजी क्या होती है कि कोई मतलब डेथ की कंडीशन में, कोई मर्डर की कंडीशन में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन, इन्वेस्टिगेशन की उसका मर्डर किस वजह से हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट काम में लिया गया है, वो किसके अंदर आता है? फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर। तो सब डिविजन में कितने ब्रांच है कि सबसे पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू से रिलेटेड, साइटोपैथोलॉजी सेल से रिलेटेड, हिमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री पैथोलॉजी, या फिर जेनेटिक्स यानी जीन से, क्रोमोसोम से रिलेटेड, टॉक्सिकोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी में होने वाली टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट करना किससे रिलेटेड है? टॉक्सिकोलॉजी से। और फोरेंसिक पैथोलॉजी में क्या है, कोई मर्डर की कंडीशन को डायग्नोज करते हैं या फिर अदर कोई कंडीशन है जिसमें क्या है, ये पता लगाते हैं अपन की किस वजह से काम हुआ है, वो सारे किसमें? फोरेंसिक पैथोलॉजी में। यानी सीबीआई या फिर सीआईडी की जो एप्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वो क्यों किसके अंदर आती है? फोरेंसिक पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी क्या है, द कंप्लीट ब्लड काउंट इज ऑफ्टन यूज एज ए ब्रॉड स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल जनरल हेल्थ स्टेटस। यानी क्या है कि हिमेटोलॉजी अपने जो सिलेबस में है वो क्या है, हिमेटोलॉजी और बॉडी फ्लूड। तो द कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी जो है वो किस चीज के लिए मोस्टली ब्रॉड यानी बड़े स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी की जनरल मतलब सामान्य हेल्थ के स्टेटस को शो करती है। और वो किस तरीके से काम में लेते हैं, इट कैन बी यूज टू यानी स्क्रीनिंग फॉर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन एंड डिजीज। यानी किसी डिजीज का पता लगाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, हिमेटोलॉजी के अंदर सीबीसी कर सकते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ डायग्नोज इन वेरियस कंडीशन सच एज एनीमिया, इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया। यानी इन सभी की जो डायग्नोज है, यानी एनीमिया का पता लगाना हो या फिर सूजन का, या फिर ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फेक्शन है ब्लड से रिलेटेड, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोई यानी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, या फिर ब्लड कैंसर है, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन किसमें आती है, तो हिमेटोलॉजी में। और इन सभी की इन्वेस्टिगेशन करते किससे, ब्लड से करते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर द कंडीशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर ए डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश। और कोई कंडीशन अपने को स्टेबलाइज करनी है, पता लगाना है कि डिजीज का पता लगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वो ट्रीटमेंट किस हद तक उस पर अप्लाई हो रहा है, वो नॉर्मल वे में किस कंडीशन तक उसको मेंटेन कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में लेके आ रहा है ह्यूमन को, उसको मेंटेन करने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, जल्दी सीबीसी कर सकते हैं, हिमेटोलॉजी की लैब को काम में ले सकते हैं उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, मॉनिटर ट्रीटमेंट दैट इज नोन टू अफेक्ट ब्लड सेल्स सच एज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। और कोई ट्रीटमेंट जो चल रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स को इफेक्ट करे, तो उसका पता लगाने के लिए भी, उसको मॉनिटर करने के लिए भी सीबीसी को काम में ले सकते हैं। इवेल्युएट इन सीबीसी यानी सीबीसी के अंदर अपन क्या क्या मेजर करते हैं, किन किन चीजों का पता लगाते हैं, तो रेड ब्लड सेल के काउंट का, व्हाइट ब्लड सेल के काउंट का, कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितनी है, प्लेटलेट काउंट कितना है, ब्लड इंडिसेस, इन सभी का पता किसकी कौन किस ब्रांच में आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी की, हिमेटोलॉजी के अंदर। और हिमेटोलॉजी के अंदर मेजर सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा है, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जो क्या बताता है, ह्यूमन बॉडी की जनरल हेल्थ का स्टेटस शो करता है। नेक्स्ट है टॉपिक्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सैंपल कलेक्शन, यानी आप सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करोगे, हिमेटोलॉजी का ब्लड का सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करोगे। दूसरा है माइक्रोस्कोप, यानी लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को,
ब्लड सेल को देखने के लिए, यानी माइक्रो और माइक्रो थिंग्स को देखने के लिए जो चीज काम में ली जाती है। तो माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट हैं, कौन सा पार्ट किस चीज के लिए काम में लेते हैं, वो है। फिर आपके आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाना, या फिर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, टीएसआर एस्टिमेशन यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एस्टिमेशन, यानी कि जो ये सर यानी नॉर्मल आरबीसी की शेप है वो नॉर्मल है या नहीं उसका एस्टिमेशन, या फिर आरबीसी या व्हाइट ब्लड काउंट का एस्टिमेशन, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स का पता लगाना, अलग अलग जो सेल है व्हाइट ब्लड सेल उनके अलग अलग काउंट्स का पता लगाना, या फिर पीबीएफ यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जिसके अंदर अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों की क्या अलग अलग स्ट्रक्चर और मोर्फोलॉजी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बॉडी फ्लूड, ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सारी किससे रिलेटेड थी, ब्लड। फिर कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, यानी यूरिन की एग्जामिनेशन करना, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करना कि वो दिखने में कैसा है, केमिकल एग्जामिनेशन करना यानी उसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट और जो प्रेजेंट है वो नॉर्मल अमाउंट में है या नहीं है, और उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन तो नहीं है किडनी के अंदर, वो किसमें आएगा, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में। फिर है सीएसएस एग्जामिनेशन, यानी ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तब क्या करते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड को एग्जामिन करते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीमन एनालिसिस, यानी इनफर्टिलिटी की कंडीशन में कोई क्या है, वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो क्या है ह्यूमन्स के सीमन की एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल टेस्ट, यानी आरबीसी की शेप अगर चेंज होगी तो उसको एग्जामिन करना कि वो किस वजह से हुई, यानी रेड ब्लड सेल काउंट कम हो गई तो सिकल सेल टेस्ट करेंगे, सिकलिन टेस्ट। ल्यूपस एरिथ्रोमेटस सेल टेस्ट, यानी ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में किस क्या करेंगे, एली सेल टेस्ट करेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट करेंगे कि रेड ब्लड सेल सही तरीके से फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर है जी सिक्स पी डी एस्टिमेशन, यानी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डी हाइड्रोजनेस एंजाइम का एस्टिमेशन कि वो सही तरीके से फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी आरबीसी की सरफेस जो है सेल मेम्ब्रेन है उसके एग्जामिन करके देखेंगे कि वो नॉर्मल कंडीशन में है या फिर परमिएबल है। फीटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करेंगे। बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स सही प्रॉपर वे में बन रही है, फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल यानी लैब का मैनेजमेंट और ऑटोमेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या है, सैंपल कलेक्शन, फिर माइक्रोस्कोप, फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, फिर ईएसआर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट या फिर पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म या डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यूरिन एग्जामिनेशन, सीएसएफ एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस, सिकल सेल टेस्ट, ल्यूपस एरिथ्रोमेटस सेल टेस्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट, जी सिक्स पी डी का एस्टिमेशन, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी या फिर फिटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन या बोन मैरो एस्पायरेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमेशन, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करते हैं और लैब को मैनेज किस तरीके से करते हैं, उसकी ब्रांचेस कितनी है। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, ब्लड सैंपल कलेक्शन के ऊपर, कि ब्लड का जो सैंपल है वो किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।